नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम लाइफ। तो आपका एक बार फिर से अपने तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बॉटम टैंक क्या होता है, कैसे उसको जो है कंपनी यूज करती है और क्यों उसके लिए जो है ज़्यादा डिमांड है बॉटम टैंक के लिए। तो सब कुछ आपको बताऊँगा आज की इस वीडियो में कि जो डीजल गाड़ी होती है पहले क्या होता था कि ऊपर से ढक्कन होते थे, ढक्कन इस बॉटम टैंक में भी है, लेकिन इसका राज क्या है, कंपनी ने इसको ज़्यादा क्यों मांगा और क्यों इसको चलाया, क्यों इसको कंपनी चलाना चाहती है। इसको चलाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कंपनी का कि जो डीजल है वो चोरी ना हो, क्योंकि किसी की भी संपत्ति चोरी होती है तो उसमें बदनामी पूरे जो है एक ट्रांसपोर्ट की हो जाती है। मान लीजिए ट्रांसपोर्ट में एक गाड़ी की चोरी हो रही है तो पूरा ट्रांसपोर्ट जो है चोरी माना जाता है। उसी प्रकार से एक डिपो की किसी गाड़ी को पकड़ा जाता है, किसी मालिक की गाड़ी को पकड़ा जाता है तो उसमें पूरी जो है उस डिपो की बदनामी है, उस पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी हो जाती है। तो उस सब बीमारी को रोकने के लिए जो है, इस चोरी को रोकने के लिए सरकार ने चला रखा है बॉटम टैंक का। ये फिलहाल चल चुका है, HP में चल चुका है, इंडियन ऑयल में अभी नहीं चला है। इतना जो HP है, रिलायंस है, इनमें जो है बॉटम टैंक होते हैं। अब बॉटम टैंक को जो है गाड़ी लोड कैसे की जाती है, कैसे उसमें डीजल भरा जाता है। देखिए बॉटम टैंक में क्या होता है कि अलग अलग से चैम्बर नहीं होते, पूरा एक ही चैम्बर होता है, पूरी गाड़ी का एक स्रोत्र होता है और उसको नीचे से भरा जाता है एक पाइप के द्वारा। प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है कि उसको 20 मिनट के अंदर पूरी गाड़ी को भर दिया जाता है। और वैसे किसी गाड़ी को भरने में लगते हैं 40 या 50 मिनट लग जाते हैं, प्रेशर के ऊपर होता है कि कितना प्रेशर आ रहा है। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो जल्दी गाड़ी भर जाती है, 40 मिनट के अंदर गाड़ी भर जाती है 20,000 लीटर तेल, और ये 20,000 लीटर तेल 15 या 20 मिनट में भर जाता है। तो आधा फर्क तो ये हो गया। और खाली करने में भी जो है एक बार खाली होता है, एक पाइप पर जोड़ दिया एक बार, बार बार जोड़ने की प्रॉब्लम नहीं है, एक बार जोड़ दिया और आसानी से खाली हो जाता है, ठीक है। तो इसको भरने का और खाली करने का बहुत अच्छा सिस्टम है, तो बॉटम टैंक सबसे अच्छा है क्योंकि चोरी इसमें ज़्यादा नहीं हो पाएगी। सरकार ने और जो कंपनी है उसने ये सोचा है कि इसमें जो है चोरी नहीं होगी, तो बॉटम टैंक का जो है काम अच्छा है, इसको चलाने से चोरी रुक सकती है। वैसे कहने की बात है लेकिन चोरी रुकती नहीं है डीजल की। तो ये चोरियाँ क्यों करते हैं इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा और फुल बताऊँगा इन्फॉर्मेशन। तो ये एक बॉटम टैंक का छोटा सा वीडियो, और भी कुछ आपको अगर पूछना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और लाइक जरूर करें।